हाय एवरीवन, हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा कंटिन्यूएशन ऑफ वेल्डिंग. सो गाइस, इन लास्ट लेक्चर वी एंडेड इन द लास्ट लेक्चर विद द स्पॉट वेल्डिंग. जो हमारी रेसिस्टेंस वेल्डिंग है उसके अंदर जो एक सब टॉपिक था नंबर ए, दैट इज़ स्पॉट वेल्डिंग. वहाँ पर हम रेसिस्टेंस वेल्डिंग के हेल्प से वेल्डिंग कर रहे थे. नेक्स्ट टॉपिक जो रेसिस्टेंस वेल्डिंग के अंदर है वो है सीम वेल्डिंग. इसे हम कह सकते हैं दिस इज़ बी पार्ट. ए पार्ट में था हमारा स्पॉट वेल्डिंग एंड बी पार्ट में है हमारा सीम वेल्डिंग. ठीक है, तो अब देखिए, इस टॉपिक को स्टार्ट करने के पहले मैं आपको एक बात ये बता देती हूँ कि अगर आपको लास्ट लेक्चर याद हो तो जो हमने स्पॉट वेल्डिंग पढ़ा था, इन स्पॉट वेल्डिंग एक स्पॉट में एक नगेट क्रिएट हो रहा था वेल्ड करने के लिए. ठीक है, एक नगेट क्रिएट हो रहा था तो जिसकी वजह से लीक प्रूफ जॉइंट नहीं बनाया जा सकता था. हम कुछ शीट मेटल में वेल्डिंग कर रहे थे. शीट मेटल की थिकनेस जो है वो बहुत कम होती है, उसमें हम जब वेल्डिंग कर रहे थे तो वो एक पॉइंट पे वेल्डिंग हो रही थी जो कि एक लीक प्रूफ जॉइंट नहीं बना रहा था. सीम वेल्डिंग उसी चीज़ का इलाज है. देखिए, प्रॉब्लम है उसका सलूशन है. जब भी कभी प्रॉब्लम होती है तो सलूशन ज़रूर एग्जिस्ट करता है. देयरफोर हमारे पास प्रॉब्लम थी कि लीक प्रूफ जॉइंट नहीं बन पा रहा था स्पॉट वेल्डिंग में, तो हम सीम वेल्डिंग बनाने लग गए. देखिए, सीम वेल्डिंग को अगर मैं बहुत ही आसान शब्दों में बोलूं तो ये एक तरीके का ओवरलैप्ड स्पॉट वेल्डिंग है. आप सोचो, फॉर एग्जाम्पल एक लाइन है. आप ये सोचो, लाइन है. लाइन क्या है? लाइन इज़ द कंटिन्यूएशन ऑफ डॉट्स. अगर मैं डॉट्स बनाना शुरू करूँ और वो बहुत पास पास बनेंगे तो वो क्या बन जाएगी? एक लाइन बन जाएगी. तो आप ये समझो कि ये जो सीम वेल्डिंग है वो एक तरीके की ओवरलैपिंग डॉट्स के ओवरलैपिंग स्पॉट वेल्डिंग है. कंटिन्यूएशन में स्पॉट वेल्डिंग है जिससे कि हम एक लीक प्रूफ जॉइंट बना पाते हैं. देयरफोर दिस इज नोन एज सीम वेल्डिंग. चलिए, अब इसका इतनी बात बेसिक थी वो समझ ली है तो अब फिगर बना लेते हैं. देखिए, ये है मान लीजिए हमारा शीट जिसके ऊपर हमको करनी है वेल्डिंग. ठीक है, ये शीट है हमें जिसके ऊपर वेल्डिंग करनी है. देखिए, अब जो यहाँ पे इलेक्ट्रोड होते हैं वो इलेक्ट्रोड अब रोलर के फॉर्म में इलेक्ट्रोड होते हैं. ठीक है, किस फॉर्म में इलेक्ट्रोड होते हैं? रोलर के फॉर्म में इलेक्ट्रोड होते हैं. ठीक है, तो चलिए मैं फिर से एक बार बना लेती हूँ इसे. रोलर के फॉर्म में इलेक्ट्रोड होते हैं, ये इसके अंदर थोड़ा चला गया है. चलिए, और एक ये नीचे, देखिए दो बन गए हैं हमारे. ठीक है, ये इसका सेंटर है. दोनों सेम साइज़ के होते हैं. अभी फिगर मैंने ऐसे बनाया है तो शायद सेम साइज़ के नहीं बने हैं. दोनों ही इलेक्ट्रोड में अब भैया हमको क्या करना है? एक पावर सप्लाई देनी है. और चलिए, ये देखिए हमने पावर सप्लाई यहाँ पर दे दी है. अब देखिए क्या है, ये जो इलेक्ट्रोड है वो कैसे होंगे? वो कॉपर इलेक्ट्रोड होगा. क्या होगा? वो कॉपर इलेक्ट्रोड होगा. और यहाँ पर ऑब्वियस ही बात है, प्रेशर पी तो डलेगा ही डलेगा. प्रेशर पी तो डलेगा ही डलेगा. तो जो यहाँ पे इलेक्ट्रोड हैं वो कैसे हैं? रोलर और व्हील. रोलर और व्हील. ठीक है, अब देखो एक बात, अब ये बताइए, व्हाट विल बी द कॉन्टैक्ट बिटवीन दिस रोलर एंड दिस शीट मेटल? इनके बीच में कॉन्टैक्ट कैसा होगा? इनके बीच में एक लाइन कॉन्टैक्ट होगा. लाइन कॉन्टैक्ट. अब ये एक पॉइंट कॉन्टैक्ट नहीं है. अगर आपको स्पॉट वेल्डिंग याद हो तो स्पॉट वेल्डिंग में एक पॉइंट कॉन्टैक्ट था. अब इसमें एक पॉइंट कॉन्टैक्ट नहीं है, इसमें कैसा कॉन्टैक्ट है? एक लाइन कॉन्टैक्ट है. अब देखिए, दोनों तरफ से हमें प्रेशर पी डालना पड़ेगा. अब देखो क्या होगा कि जब वेल्डिंग होगी तो ये जो रोलर हैं हमारे, जो कॉपर के इलेक्ट्रोड हैं, इनको हम रोल करवाएंगे. ठीक है, ये रोल होते जाएंगे और ये आगे बढ़ता जाएगा और यहाँ पर नगेट्स क्रिएट होते जाएंगे. ऐसे ऐसे ओवरलैप होते हुए नगेट्स क्रिएट होते जाएंगे और यही ओवरलैपिंग नगेट्स जो हैं वो एक लाइन बना देंगे. तो हम इसको कहने लग जाएंगे क्या, हमारी एक लीक प्रूफ जॉइंट क्रिएट हो गया है. हमारा लीक प्रूफ जॉइंट क्रिएट हो गया क्योंकि कंटिन्यूएशन में है ना, इसी वजह से लीक प्रूफ जॉइंट क्रिएट हो गया है. अब देखिए, सबसे पहले तो क्वेश्चन में क्या आ सकता है? देखिए, सबसे पहले आप ये बताओ, अगर डी इज़ द डायमीटर ऑफ दिस, ठीक है, एंड एन कैपिटल एन इन RPM इज द स्पीड ऑफ दिस रोलर, देन वॉट इज द वी वेलोसिटी ऑफ द रोलर? आई होप कि आप सभी समझ पा रहे होंगे, पाई डी एन बाई 60.
तो नॉर्मली जो वी होता है ना वो 5 से 10 मीटर पर मिनट के आसपास का होता है। देखिए ये कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है कि इसका स्पीड कितना होता है, स्पीड विल डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ जॉइंट दैट यू वॉन्ट टू मेक। ओके सो फाइनली लेट अस मूव ऑन द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट ये तो पहला ही पॉइंट है। देखिए पहले पॉइंट में हम वन बाय वन चीज़ों को लिखते चलेंगे, लिखिए चलिए देखते हैं लिख लेते हैं। इसमें क्या होता है, टू वर्क पीसेस विच आर टू बी वेल्डेड, विच आर टू बी वेल्डेड विल बी प्रोवाइडेड बिटवीन टू कॉपर इलेक्ट्रोड विच आर इन द फॉर्म ऑफ रोलर्स और व्हील, विच आर इन द फॉर्म ऑफ रोलर्स और व्हील्स। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बाई कंटिन्यूअसली सप्लाइंग हाई रेट ऑफ करेंट हीट विल बी जनरेटेड एट द कॉन्टैक्ट ऑफ द टू वर्क पीसेस। अब कहाँ पर ज़्यादा हीट जनरेट होगी, वही एयर गैप पे ही सबसे ज़्यादा हीट जनरेट होगी। और किस कैसे, उसका फॉर्मूला हम क्या लिखेंगे, आई स्क्वायर आर टी इसका फॉर्मूला लिखेंगे। नेक्स्ट भी वो तो जो स्पॉट वेल्डिंग में था वो यहाँ पर भी है। अच्छा एक इंपॉर्टेंट बात, स्पॉट वेल्डिंग के बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, मैंने डिसाइड किया है जो क्वेश्चंस हैं वो मैं एक साथ ले लूँगी। अभी मैं थ्योरी थ्योरी क्योंकि बहुत ज़्यादा सिलेबस इसमें कंप्लीट करने को सब बोल रहे हैं, तो मैं डेली के बेसिस पे एक दो लेक्चर्स डाल करके इसका सिलेबस कंप्लीट करके देन आफ्टर दैट मैं उसके क्वेश्चंस को लूँगी और सॉल्व करूँगी। आप यहाँ पर थ्योरी और जो भी मैं फॉर्मूले, छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, कोई ऐसे बड़े फॉर्मूले नहीं हैं इसमें, उनको एक बार अपने दिमाग में बैठाते चलिए। चलिए आगे पढ़ते हैं, बाय कंटिन्यूअसली सप्लाइंग हाई रेट ऑफ करंट हीट विल बी जेनरेटेड एट द कॉन्टैक्ट ऑफ टू वर्क पीसेस। ठीक है नेक्स्ट पॉइंट जो हमें करना है, देखिए जब हमें सफिशियंट अमाउंट ऑफ हीट मिल जाएगी उसके बाद क्या होगा कि आपको पावर सप्लाई से जो करंट आप सप्लाई कर रहे हैं उसको बंद करनी होगी और प्रेशर को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। ये सेम प्रोसीजर है जो स्पॉट वेल्डिंग में हुआ करता था। लिख लेते हैं, आफ्टर गेटिंग sufficient amount of heat by rotating the rollers, rolling pressure, क्योंकि rollers को हम rotate भी कर रहे हैं, rolling pressure can be applied on the workpiece. Due to this, nugget can be formed. ठीक है चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या, देखिए ड्यू टू कंटिन्यूअस रोटेशन क्या होगा, नगेट्स बनते जाएंगे बनते जाएंगे। देखिए ये जो है वो कंटिन्यूअसली रोटेट करेगा, नगेट्स बनते जाएंगे हमारे और जो नगेट्स हैं वो ओवरलैप करेंगे, इसकी वजह से हमें एक लीक प्रूफ जॉइंट मिल जाएगा। ये बात मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, फिर से ये बात एक्सप्लेन कर दी है, अब लिख भी लेते हैं ताकि आपके नोट्स जो हैं वो बन जाएं। देखिए ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस rotation of the rollers, pressure can be applied continuously and there is a
possibility of nuggets can be overlap. Due to this, leak proof joint can be possible. देखिए अब डिपेंड करेगा, अब हमें ये देखना है कि इसकी वेलोसिटी कितनी हो सकती है. देखिए वेलोसिटी विल डिपेंड अपॉन कि टाइम आप कितना दे रहे हो. अगर आपके पास कम नंबर ऑफ पीसेज आपको बनाने हैं तो वेलोसिटी को कम कर लो, बहुत अच्छा रहेगा. अगर आपको कंटिन्यूअसली मास प्रोडक्शन करना है तो जो वेलोसिटी होगी वो कैसी होगी, वेरी हाई. तो लिख लेते हैं वेल्डिंग स्पीड इज very high, it can be used for mass production, it can be used for mass production. ठीक है, अब देखिए एक बात याद रखिएगा कि यहाँ पर भी इंडेंटेशन की प्रॉब्लम आती है कि देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ इंडेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोड एंड द वर्क पीस. लिख लीजिए देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ इंडेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोड इन द वर्क पीस. ठीक है, अब एप्लीकेशन पे आ जाते हैं. भैया जी इसका एप्लीकेशन क्या है, सारी वेल्डिंग का एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आपके जो भी शॉर्ट नोट्स हैं बिल्कुल भी भूलिएगा मत कि सारी वेल्डिंग, सारी कास्टिंग, जितने भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हैं उन सब का जो एप्लीकेशन है, कहाँ कौन सा प्रोडक्ट बनाने के लिए कौन सा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस यूज होता है, इसके बहुत क्वेश्चन रिपीट करते हैं और आपके शॉर्ट नोट्स में ये मस्ट है. आप मस्ट है मतलब आप समझ रहे हैं, मतलब अगर ये नहीं है तो आप समझिए कि आप बहुत घाटे में चल रहे हैं. आपको ये ऐड करना ही करना है. तो एक दिन का समय निकालिए, बैठिए और सारे वेल्डिंग, सारे कास्टिंग, जो भी प्रोसेस अभी तक में पढ़े हैं उन सब के जो भी एप्लीकेशन है एक पेज में, दो पेज में उठा करके लिख लीजिए और अपने शॉर्ट नोट्स बना लीजिए. आई होप कि मैंने ये पहले भी आपसे बोला होगा, लेकिन अगर नहीं बोला है तो आज मैं बोल रही हूँ. जितने भी लोग ये लेक्चर देख रहे हैं प्लीज़ इस बात को ध्यान रखिए, अगर आप बहुत सीरियस हैं अपनी प्रिपरेशन के लिए तो ये आपको मिस नहीं करना है. सारी वेल्डिंग, कास्टिंग, जितने भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हैं उन सब का यूसेज कहाँ कहाँ होता है, उन सब को आप अपने एक या दो पन्ने में शॉर्ट नोट्स में ऐड करके चलिए. और हाँ, अब तक में आप लोगों ने टेस्ट सीरीज़ देना स्टार्ट कर दिया होगा. टेस्ट सीरीज़ में भी डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन आती हैं, उन सबको भी अपने शॉर्ट नोट्स में ऐड करते रहिएगा. बिल्कुल भी मिस मत करिएगा क्योंकि वही क्वेश्चंस रिपीट होते हैं. प्रोडक्शन में तो वैसे भी बहुत सारी चीज़ें हमें सिर्फ रटनी होती हैं. उस लहजे से हम देखें तो हमको क्या करना है, उनको याद रखना है. देखिए याद रखेंगे तभी आप उसमें एक पढ़ते ही टिक लगा पाएंगे. ठीक है, देखिए एप्लीकेशन है इसका फेब्रिकेशन ऑफ फ्यूल टैंक्स, जो फ्यूल टैंक्स बनते हैं उनका फेब्रिकेशन, फेब्रिकेशन ऑफ फ्यूल टैंक्स. ठीक है, नेक्स्ट है रेडिएटर बॉडीज, रेडिएटर बॉडीज. नेक्स्ट है मफलर्स यूज्ड इन एग्जॉस्ट पाइप, मफलर्स यूज्ड इन एग्जॉस्ट पाइप. तो चलिए ये था हमारा सीम वेल्डिंग. नेक्स्ट वेल्डिंग है हमारी प्रोजेक्शन वेल्डिंग, इसको भी समझ लेते हैं. रेसिस्टेंस वेल्डिंग के ही आगे की ही ये बात है. ये है हमारी प्रोजेक्शन वेल्डिंग. चलिए देखिए प्रोजेक्शन वेल्डिंग में क्या होता है कि हमें जो वेल्ड बनाने हैं, जिस जगह पे वेल्ड बनाना, देखिए वेल्ड कहाँ बनेगा आप मुद्दा बात समझिए. मुद्दा बात सिंपल इतना है कि वेल्ड उधर पे बनेगा जहाँ पे हीट ज़्यादा जनरेट होगी. अब भैया हीट कहाँ ज़्यादा जनरेट होगी, हीट वहाँ जनरेट होगी. देखो जो हीट जनरेटेड का
फॉर्मूला था वो क्या था, आई स्क्वायर आर टी, या तो आप करंट बढ़ा लो या रेजिस्टेंस बढ़ा लो या तो टाइम बढ़ा लो. टाइम तो छोड़ो, माइक्रो सेकेंड होता है, करंट हम तो वैसे ही बढ़ा लेते हैं, बहुत ज़्यादा हाई कर लेते हैं. ठीक है, तो ये जो रेजिस्टेंस जहाँ पर ज़्यादा होगा वहीं पर हीट जनरेट होगी. तो भैया देखो, रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, हम प्रोजेक्शन बना देते हैं. प्रोजेक्शन मतलब जिस जगह पर आपको चाहिए है वहाँ पर हम प्रोजेक्शन टाइप का क्रिएट कर देते हैं. देखो फिगर बन रहा है, फिगर मैं बना देती हूँ. ये देखो, मैं चाहती हूँ कि इतनी जगह पे जहाँ पे मैं प्रोजेक्शन बना रही हूँ वहाँ पर क्या बन जाए, एक, हाँ देखिए ये है नीचे की प्लेट, ये मैंने वर्क पीस बनाए हैं. देखिए समझ में आ रहा है आपको कुछ, ये वर्क पीस मैंने बनाए हैं. इनमें थोड़ी शेडिंग वेडिंग भी कर लेते हैं, थोड़ा बढ़िया अच्छा लगेगा. ये क्या हो गया भाई, कहाँ चले गए तुम? हाँ जी, ये यहीं पर है. चलिए, ये आपने क्या बनाया है जी, ये आपने वर्क पीस बनाया है भैया. और वर्क पीस में ये जो है, ये क्या है, ये तीनों क्या है, ये तीनों हैं प्रोजेक्शंस. ठीक है, प्रोजेक्शंस बनाए हैं. देखो अब क्या होगा कि जब ये प्रोजेक्शन आपने बनाए ना, और जब आप चाहते हो कि वेल्डिंग होगी, तो रेसिस्टेंस जो है ना इन प्रोजेक्शन के टिप में कैसा होगा, मैक्सिमम होगा. तो अब देखिए आगे हम वेल्डिंग कैसे करेंगे. इनके ये जो है इसके ऊपर हम लगाएंगे दो तरीके के, सॉरी एक इलेक्ट्रोड लगाएंगे. देखिए वर्क पीस के ऊपर इलेक्ट्रोड लगाना हमारी बात है, तो मैं फिर से इसी फिगर को रिपीट कर रही हूँ. सॉरी ये थोड़ा गड़बड़ बन गया, मैं फिर से इस फिगर को बनाने जा रही हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ फिगर बन गया था. देखिए, ओ डियर, ठीक है, और एक ये हो गया, ये ओवरलैप करके मैंने बना दिया है. देखिए अब क्या होगा, इसको फिर से थोड़ा सा, ठीक है, ये हमारे वर्क पीसेज हैं जिनको हम क्लोज लिया है. अब हम लगाएंगे यहाँ पे दो कॉपर के इलेक्ट्रोड. देखो भैया क्या होगा, ये दो ब्लॉक के तरीके के मैंने इलेक्ट्रोड यहाँ पर लगा दिए हैं. ठीक है, ये हैं हमारे क्या, कॉपर इलेक्ट्रोड. अब भैया इलेक्ट्रोड है तो इसको पावर सप्लाई तो देनी ही पड़ेगी, तो देखो ये पावर सप्लाई दे दी यहाँ पर हमने. ये हो गई हमारी पावर सप्लाई, ये है पावर सप्लाई हमारी इलेक्ट्रोड की. ये इलेक्ट्रोड है जी, ये जो मैंने ऐसे बनाए हैं ये इलेक्ट्रोड है. अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब हमें देना है प्रेशर. अब हमें देना है इसको प्रेशर पी और प्रेशर पी. अब देखिए क्या होगा, प्रोजेक्शन में क्या होगा कि मैक्सिमम कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस होगा जिसकी वजह से हीट बढ़ेगी. अब देखो भैया इन पॉइंट्स में अगर हीट बढ़ गई ना, तो इन्हीं पॉइंट्स में ही हीट बढ़ेगी. उसके बाद आप प्रेशर अप्लाई करोगे और यहाँ पर क्या बन जाएगा, ज्वाइंट बन जाएगा, ज्वाइंट बन जाएगा. देखिए इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, बेस्ट एग्जाम्पल आपने घर में अपने कूलर देखा होगा. कूलर, देखिए कूलर में जो पीछे जाली लगी होती है ना, वो कई तरीके की होती है. एक जाली अगर आपको याद हो, मैं सिर्फ घर का एग्जांपल ले रही हूँ, कृपया करके किसी घर में ऐसा कूलर ना हो तो सीरियस मत होइएगा, क्योंकि मुझे इससे बेस्ट एग्जांपल याद नहीं आ रहा है. एक तो ऐसे ऐसे करके जाली होती है, ठीक है, इतना पार्ट ये अंदर की तरफ मुड़ा होता है ना, इसको स्लिटिंग कहते हैं. आप अगर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस अभी आगे पढ़ोगे ना तो ये पता चलेगा. इसमें क्या होता है कि पेज लेकर के ऐसे स्लिट लगाया, ऐसे मान लो कोई पेपर है ना, पेपर में एक स्लिट लगाया और जो स्लिट लगाया है ना उतने पार्ट को हमने मोड़ दिया. वो एक एक तरीके का कूलर की जाली होती है. दूसरी कूलर की जो जाली होती है, अगर मैं आपको याद दिलाऊँ तो देखिए कुछ ऐसी होती है, मैश टाइप में होती है कूलर की जाली ऐसे, और इसके अंदर वो घास भरी होती है. अरे बाबा ये क्या कर रहा है आज आईपैड भैया है. उसके बाद ये देखिए, आपको अगर कुछ याद आ रहा हो तो बहुत बढ़िया. देखिए ऐसी होती है हमारी कूलर की जाली, ठीक है. और यहाँ पर जो हमारा नगेट क्रिएट होता है ना, ये पॉइंट्स हैं जहाँ पर हमारे नगेट्स, या इनको हम कहते हैं
प्रोजेक्शन वेल्डिंग, जब ये बनाए जाते हैं ना तो इनके ऊपर छोटे छोटे से ऐसे ही प्रोजेक्शन बने होते हैं और इन तारों को उठा करके दूसरे तारों के ऊपर लगाया जाता है और इस तरह की बड़ा कि आप सोच रहे हो कि इतनी बड़ी इतनी सारी जो आप थोड़े इमेजिन करो कि इतना सारा जो ये मैश है वो एक एक डंडियों को मतलब एक एक वायर को चिपका करके थोड़ी बनाया जाता होगा, ये बहुत सारी वायर को एक साथ लिया जाता है, उनमें प्रोजेक्शन बनाए जाते हैं और एक बड़ा सा इस तरीके का जो इलेक्ट्रोड है वो रख करके एक साथ पंच कर दिया जाता है यहाँ पर और इस तरीके के नगट्स क्रिएट हो जाते हैं और इसी को हम कहते हैं प्रोजेक्शन वेल्डिंग। आई होप कि आप इस चीज़ को इमेजिन कर पा रहे हो, ये इसका बेस्ट एग्जांपल है, इसे हम कहते हैं वायर मैश। इसको हम क्या कहते हैं, वायर मैश। कूलर के घर के कूलर की जाली, जिसके घर में इस तरीके का कूलर की जाली है उसी कूलर की जाली की एग्जांपल मैं बता रही हूँ। जो दूसरे तरीके की इस कूलर की जाली बनती है उसको हम कहते हैं स्लिटिंग करना, स्लिट करना। याद रखिएगा आगे जब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में पढ़ाऊंगी तो ये चीज़ आएगी और आप याद रखिएगा, तब भी मैं आपको याद दिलाऊंगी कि मैंने वेल्डिंग के चैप्टर में ये बात आपको याद दिलाई है। इसको हम कहते हैं स्लिटिंग, ठीक है। चलिए अब इसका जो प्रोसेस है उसको हम वन बाय वन लिख लेते हैं, ठीक है। देखिए, one of the sheet which is to be welded produce number of projections by using embossing technique. एम्बॉसिंग टेक्निक। अब देखो भैया एम्बॉसिंग क्या होती है, ये भी एक तरीके का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में आगे हम पढ़ाएंगे, स्लिटिंग पढ़ाएंगे, एम्बॉसिंग पढ़ाएंगे। देखो एम्बॉसिंग का मतलब ये कोई प्रोजेक्शन बनाना। फॉर एग्जांपल अगर आपने पेन देखा हो, पेन के ऊपर कुछ उठा उठा सा होता है ना जिसके ऊपर ग्रिप बन जाए हमारी, उसको हम कहते हैं एम्बॉसिंग करना, ठीक है। याद रखिएगा पेन के ऊपर जो बना होता है हमारा थोड़ा सा उठा उठा ताकि पसीना आए तो पेन हमारा खिसके ना, उसको हम कहते हैं एम्बॉसिंग। तो एम्बॉसिंग टेक्निक से हम प्रोजेक्शन बना लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए, बाय प्रोवाइडिंग टू शीट्स बिटवीन लार्ज साइज्ड कॉपर इलेक्ट्रोड्स हाई रेट ऑफ करेंट कैन बी सप्लाइड फॉर अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ टाइम। ऑब्वियसली मैंने बताया था टाइम बहुत ही कम दिया जाता है, फॉर अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ टाइम, देन ड्यू टू मोर कॉन्टैक्ट रेसिस्टेंस एट द प्रोजेक्शंस हीट विल बी जेनरेटेड, ठीक है, हीट विल बी जेनरेटेड। नेक्स्ट पॉइंट, चलिए, आफ्टर गेटिंग सफिशियंट अमाउंट ऑफ हीट बाई स्विचिंग ऑफ द सेम प्रोसीजर है जो स्पॉट वेल्डिंग में और ये बाकी की वेल्डिंग में चलता आ रहा है, सेम प्रोसीजर है, लिख लेते हैं। आफ्टर गेटिंग sufficient amount of heat by switching off the power supply external pressure External pressure can be applied
द इलेक्ट्रोड्स टू प्रोड्यूस नगेट्स एट द प्रोजेक्शंस. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, लीक प्रूफ जॉइंट नॉट पॉसिबल. ऑब्वियसली बात है, जब नगेट आपके ओवरलैप नहीं कर रहे हैं तो किस तरीके से आपके लीक प्रूफ जॉइंट पॉसिबल होगा. अगर हाँ, आपके जो नगेट्स हैं उनको ओवरलैप करवा दीजिए तो फिर लीक प्रूफ पॉइंट बन जाएगा. लेकिन थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए, अगर आपने नगेट्स को प्रोजेक्शंस को ओवरलैप करवा ही दिया तो फिर मतलब ही क्या बचेगा, मतलब फिर तो कोई मतलब ही नहीं बचेगा. फिर तो आप सीम वेल्डिंग कर लो, हैं तो फिर आप कर ही सकते हो. चलो देख लो, लीक प्रूफ जॉइंट इज नॉट पॉसिबल. ठीक है, नेक्स्ट, नंबर ऑफ प्रोजेक्शंस कैन बी प्रोड्यूस्ड इन अ सिंगल साइकिल. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये है, विदाउट एनी इंडेंटेशन बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड वर्क पीस कैन बी प्रोड्यूस. देखिए यहाँ पर इंडेंटेशन नहीं होता है ज़्यादा, तो हम लोग उसको निग्लेक्ट कर देते हैं. विदाउट एनी इंडेंटेशन बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड वर्क पीस जॉइंट कैन बी प्रोड्यूस्ड. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एप्लीकेशन जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. चलिए इसके एप्लीकेशन देख लेते. एक एप्लीकेशन तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, सबसे फेब्रिकेशन ऑफ वायर मैश ये बता ही चुकी हूँ. फेब्रिकेशन ऑफ वायर मैश. नेक्स्ट है हमारा जॉइनिंग ऑफ थ्रेडेड स्क्रू एंड नट्स. थ्रेडेड स्क्रू एंड नट्स टू द शीट मटीरियल. मतलब क्या हुआ इस बात का भैया, देखो इसका मतलब ये है कि जो शीट होता है ना, अगर आपने इसमें स्क्रू और नट डाल रखे हैं ना, उनको अगर आपकी जॉइनिंग करनी है ताकि आपका एक अच्छा जॉइंट बन पाए, उस चीज़ के लिए हम लोग ये वाली दैट इज़ प्रोजेक्शन वेल्डिंग को यूज़ करते हैं. ठीक है, ये है हमारा रेसिस्टेंस वेल्डिंग. आगे के चैप्टर में हम फ्लैश बर्ट वेल्डिंग वगैरह स्टार्ट